तो हेलो भाई ब्रदर्स, क्या हाल चाल। तो गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप की रीडिंग। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं जो बैकग्राउंड एंड पीएनजी को यूज करने जा रहा हूँ वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो वो सब डाउनलोड करने के लिए मैं तुम्हें एक लिंक दिए हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ यार क्लिक करो, डाउनलोड करो। क्या मैं तो पैसा थोड़ी ना ले रहा हूँ आपके। एंड गाइस, इस वीडियो अगर आप ए तक देख रहे हो ना तो 8 मिनट के बाद मिस मत करना भाई, ठीक है। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, ये तो आपको 8 मिनट के बाद ही पता चलेगा। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सेड में ऐड कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपको सीधा चले जाना होगा ऐड फॉर ऑल ऑप्शन के अंदर, इस साइड में देखो। एंड ऐड फॉर ऑप्शन के जाने के बाद आपका मॉडल पीएनजी को ऐड कर लेना होगा, सिंपल। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं ऐड कर लिया हुआ। एंड गाइस, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसकी पिक्चर्स भाई की फोटो है, तो अगर आपको पता ही होगा क्या बताओ इसके बारे में। तो गाइस, आपको सिंपली इस फोटो को ऐसे, मतलब अपना जो फोटो इससे क्लिक कराओगे उस फोटो को ऐसे बड़ा कर लेना होगा, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता फोटो का, तो भाई आपके लिए एक वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के बाद देख लेना, ओके। एंड अभी हम इस बैकग्राउंड के साथ इस पिक्चर को मैच करने वाला है, तो इसलिए हम सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट पे जाएंगे, बहुत इजी तरीके। आपको बस सिंपल तरीके से कॉन्ट्रास्ट पे आना होगा, ठीक है। अब देख सकते हो दूसरा पे जो है कॉन्ट्रास्ट, एंड इस कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना होगा, ठीक है। सिंपल तरीके से इतना बढ़ा देंगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। एंड अभी और क्या कर सकते, शेडोज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और शेडोज को हम थोड़ा बहुत माइनस पे ला देते। तो वैसे अभी जो आप देख रहे हो फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है बैकग्राउंड के साथ। तो इसके बाद आपको सिंपल तरीके से भाई डन कर देना होगा, डन एंड अगेन डन करो भाई। तो गाइस, आप देख रहे हो कि हमारा एडजस्टमेंट हो चुका था। इसके बाद आपको सिंपल तरीके से फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पे जाना होगा, ओके। एंड आपको एक पीएनजी को ऐड कर लेना होगा, अभी मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो बस। तो गाइस, तुम्हें भी इस तरीके से इस सिगरेट का पीएनजी को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। अगर गाइस आप सिगरेट पीते हो ना तो भाई छोड़ दो, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। पर मैं आपको बताने वाला कौन हूँ गाइस, फिर भी आपका एडवाइस दे रहा है, मतलब समझ सकते हो। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, आपको बताए मेरे को भी बताए। तो गाइस, हम एडिट पे आते। तो गाइस, अगर मतलब ऐड करने के बाद आपको सिंपल तरीके से इसको छोटा कर लेना होगा, ठीक है, और भी छोटा कर दे। एंड हाँ, अभी सही है। एंड इसके बाद आपको थोड़ा इसको बढ़ा कर लेना होगा भाई। एंड इसके बाद आपको सिंपल से इधर घुमा लेना होगा, ठीक है, आपका लिप के हिसाब से इधर घुमा लेना, ठीक है। आपका लिप से मतलब लिप फोटो क्लिक कराने समय, ठीक है, आपका लिप के अंदर कुछ भी मतलब सीगरेट जैसा कुछ भी रख लेना, ठीक है, जो कि मतलब एक अच्छी होगा आपके लिए, अच्छी एडिटिंग में आपको हेल्प होगा, तो रख सकते हो आप। एंड इसके बाद आपको इसको थोड़ा बहुत और छोटा कर लेना होगा, ठीक है, मतलब लिप के हिसाब से भाई करना तो पड़ेगा। एंड इसके बाद हम थोड़ा बहुत और बड़ा कर लेंगे इधर, हाँ। एंड इसके बाद इस टाइप से हम इस टाइप से छोटा करेंगे, ठीक है। एंड गाइस, उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे इरेजर ऑप्शन पे, एंड इसको मतलब ऐसे रियल बना देंगे। तो रियल लुक देने के लिए आपको सिंपल से इरेज पे आना होगा, ठीक है, एंड इधर ऐसे इरेज कर देना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, आप समझ सकते हो कितना आसान है। तो ऐसे हो जाने के बाद आपको सिंपल तरीके से भाई डन कर देना होगा, ठीक है। एंड गाइस, वेट वेट वेट, थोड़ा बहुत गलती हो चुका है, हाँ, अभी इसको मिडिल पे रखना होगा, ठीक है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि एडजस्टमेंट तो इधर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल तरीके से भाई डन कर देना होगा, डन। उसके बाद आपको फिर से मतलब डन हो जाने के बाद गाइस, आपको सिंपल तरीके से फिर से ऐड फोटो ऑप्शन के अंदर चली जाना होगा, ठीक है। एंड इधर आपको ये जो पीएनजी दे रहे हो ना, मशाल की पीएनजी, इससे हम सिगरेट जलाएंगे भाई, केजीएफ से भी खतरनाक तरीका है। तो इसके लिए हमें सिंपल तरीके से इसको ऐड कर लेना होगा, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाओ यार, डाउनलोड कर लो क्या। और गाइस कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, मतलब ऐड हो जाए चैनल पे, नया है तो क्या है, पुराना तो बनाना पड़ेगा। तो गाइस, इसके बाद आपको सिंपल तरीके से इसको हम थोड़ा बहुत और बड़ा करेंगे, ठीक है, मतलब छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं। तो गाइस,
इस बार तुम्हें फिर से इरेजर पे जाना होगा एंड इरेजर लेना होगा एंड आपको फिर से इरेजर पे टैप करना होगा, इसका जो हार्डनेस है ना इसको ज़्यादा कर देना होगा भाई लोग ये भी समझते नहीं। तो इसके बाद आपको थोड़ा बड़ा कर लेना होगा इसको एंड अच्छी तरीके से भाई, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल इस तरीके से चला देना इसको, पर से मार देना साले। अच्छा एंड गाइस इधर गाइस गलती हो गया भाई, गलती अगर आपको भी ऐसे हो जाए तो रजिस्टर तो है ना, रजिस्टर को लेना एंड अच्छी तरीके से भैया, अच्छी तरीके से ठीक है इस साइड से ड्रॉ कर देना होगा आपको भी एंड इधर भी सेम तरीका है। तो गाइस हो जाने की बात आपको सिंपल से भाई डन कर देना होगा ओके, एंड आपको सीधा चली जाना होगा एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन के अंदर, क्यू एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन के अंदर जाना होगा आपको, सिम तरीके से कॉन्ट्रास्ट पे आना होगा इसके बाद एंड कंट्रास्ट को हाई कर देना होगा भैया, ये भी नहीं समझते आप एंड कौन है ये लोग, एंड इसके बाद आपको सिम तरीके से भाई डन कर देना होगा ओके एंड अगेन डन कर दो। तो गाइस अभी जो आप ये फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो इस टाइप से बनने वाला है, तो इस टाइप से बनाने के लिए हमें लाइट रूम के अंदर जाना होगा सिंपल तरीके लाइट रूम के अंदर। तो चलो मिलते हैं लाइट रूम के अंदर। तो गाइस मैं आ चुका लाइट रूम के अंदर, तो इसके आने के बाद गाइस सिंपल तरीके से आपको मास्किंग वाला ऑप्शन के अंदर चली जाना होगा ठीक है। एंड गाइस आपको एक बात बता दूं, अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं लेते तो आपको मास्किंग वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो वाला लाइट रूम का आपको तो पता ही होगा, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम नहीं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर चली मतलब चैनल पे चली जाना ठीक है, उधर मैं आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड कर लेना ठीक है। तो आपको सिंपल इस प्लस वाला आइकन पे प्रेस करना होगा ठीक है एंड इधर जो ठीक है कि बोल रहे हो बार बार यार चलो कोई ना, तो आपको लाइनर ग्रेडियंट वाला प्रेस कर देना होगा एंड इसके बाद आपको इधर एक लाइनर ग्रेडियंट ड्रॉ करना होगा ठीक है फिर से ठीक है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मैं इधर ड्रॉ कर लिया, तो इसके बाद आपको सिंपल तरीके से ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर चली जाना होगा एंड एक्सपोजर को कम करना होगा ओके, एंड कंट्रास्ट को ज़्यादा करेंगे, हाइलाइट्स को भी डिक्रीज। अब देख सकते हो कितना मैं कर रहा हूँ, आप कर लेना इतना ठीक है देख लेना आप भी, एंड शेडोज को हम डिक्रीज कर देंगे, वाइट्स को भी डिक्रीज, ब्लैक्स को थोड़ा बहुत डिक्रीज ज़्यादा कर देंगे तो भाई बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको इधर जो ए वाला ऑप्शन है ना, ए वाला ऑप्शन पे आने का टेक्सचर को थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, क्लियरिटी को थोड़ा बहुत, डैश को थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे ठीक है फिर से। तो गाइस इसके बाद आपको ए वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना होगा ठीक है। अब तो कोई ना यार मजाक कर रहा था। इसके बाद आपको ए वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना होगा एंड इधर डुप्लीकेट बना लेना होगा ओके। एंड गाइस इसका डुप्लीकेट को हम इस टाइप से लाएंगे एंड इधर जो ए वाला ऊपर जो ऑप्शन है ना, इस ऊपर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देना होगा एंड मतलब प्रेस करके रख के इससे घुमा लेना होगा ठीक नहीं बोलना, तो आपको इस टाइप से बनाना होगा एंड इधर हम बना देंगे थोड़ा बहुत और ओके। एंड इधर आ जाए थोड़ा बहुत अभी सही लग रहा है। तो इसके बाद आपको सिंपल तरीके से एक और डुप्लीकेट बना लेना होगा, इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट बना लिया हूँ मैं एंड आपको कुछ इस टाइप से पकड़ के इधर लाना होगा एंड इसको घुमा लेना होगा 360 डिग्री। भाई मारो मुझे मारो। तो अभी आपको कुछ इस टाइप से इसको बड़ा कर लेना होगा एंड इसको हम थोड़ा इस टाइप नहीं इधर रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छी लग रहा है और भी अच्छा लगेगा इस मतलब इसके बाद जो आता है उससे करने की बात। तो आपको सिंपल से फिर से इसके ऊपर टैप करना होगा एंड डुप्लीकेट बना लेना होगा एंड इसको ऐसे करके इधर इसे घुमा लेना होगा ठीक है ना, एंड इसको छोटा कर लेना होगा भैया, इतना बड़ा नहीं रखना इस बार मेरे को। अच्छा तो गाइस हो जाने की बात आपको फिर से मतलब फिर से की बता रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके से डन कर देना होगा एंड अभी हम इस फोटो का कलर करेक्शन करेंगे। सिंपल तरीका है, आपको सिंपल तरीके से इस ब्राइटनेस ऑप्शन के अंदर आ जाना ठीक है तुम्हें, एंड इसके बाद इसका जो एक्सपोजर है इसके ऊपर टच नहीं करना, एक बेंच खराब ऑप्शन है, गालियाँ नहीं देना। एंड कंट्रास्ट को हम बढ़ा देंगे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे ठीक है, एंड हाइलाइट्स को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते तो बढ़ा लेना डेक, एंड शेडोज़ को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है बार बार आ जाती है। तो गाइस शेडोज़ को थोड़ा बहुत माइनस करेंगे एंड व्हाइट्स को हम क्या करेंगे भाई बढ़ा देंगे थोड़ा बहुत, नहीं बढ़ाएंगे नहीं जरूर नहीं, को माइनस कर देना होगा 12 के आसपास एंड ब्लैक को हम थोड़ा बहुत माइनस करेंगे 9 के आसपास ओके।
एंड इसके बाद हम सिंपल तरीके से कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे भैया लोग, समझ रहे हो। एंड कलर्स का क्या करेंगे, कलर्स को सिंपली इधर टेम्परेचर को हम थोड़ा बहुत 6 के आसपास रख सकते हो, कलर हो जाएगा फोटो। एंड टीन को भी हम थोड़ा बहुत इधर बढ़ा देंगे, ओके देख सकते हो 8 के बढ़ा दिया हुआ। एंड वाइब्रेंस को हम बढ़ाएंगे भाई लोग, अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा मस्त लग रहा है 44 के आसपास। एंड इसके बाद आपको मिक्स टूल के अंदर जाना हुआ है, जो चक्का है जैसे ऑप्शन के अंदर, ओके। एंड इसका जो फर्स्ट वाला कलर है इसको हम तो इस टाइप से रखेंगे, इधर से जो बढ़ा देंगे एंड फेस के अंदर चले आएंगे, ओके। मतलब इस कलर को मैं फेस का कलर बोलते हूँ, ठीक है, यही याद रखना। एंड इसके कलर को हम इस टाइप से रखेंगे भैया, एंड चीजों को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि एक मतलब फेस को देख सकते हो, फेस कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो अभी इसका लुमिनस भी हम थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, ओके ना। एंड इस डायरेक्ट इस वाला कलर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा टी शर्ट जो देख रहा है ना, ये मेरा तो नहीं भाई, एनर्जी पिक्चर्स की है भाई, मेरा से कब आएगा, कोई नहीं यार, चलो छोड़ो इसे। एंड आपको ये जो कलर है इस कलर का मतलब मैं इधर रखूँगी। एंड इसका जो मतलब लुमिनस है ना, ये बहुत लाइट दे रहा है भाई, क्या करूँ इसका, मतलब लुमिनस को डाउन कर दूँगा इसका ऐसे, जैसे अभी मैं अब देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो लुमिनस एकदम से डाउन हो चुका है इसका। एंड आपको इसके बाद जो कलर था इसके ऊपर टैप कर देना होगा, इसका मतलब आपको इसका ह्यू को थोड़ा बहुत बढ़ा देना होगा, ठीक है, 6 के आसपास। एंड इसके शेड्यूल में बढ़ा देंगे, आप देख सकते हो फोटो कलर आ रहा है फोटो में, ठीक है बहन की लोग। एंड इसके बाद आपको डाउन कर देना होगा, ओके। एंड गाइस इसके बाद इस फोटो कुछ इस टाइप से देखेगा भाई, कैसे बनाना इस टाइप से आपको पता नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। सिंपल इस कलर पे आना होगा, सिंपल तरीके से टेक्सचर को ज़्यादा हाई कर देंगे, क्लियरिटी पे मेन वर्क, देख सकते हो फोटो बिल्कुल अलग टाइप से लगने लगेगी। एंड अभी इसका दहेज भी हम बढ़ाएंगे, ओके। एंड इसका भीगनेट को हम थोड़ा बहुत कम कर देंगे। अभी भैया लोग आप भी देख रहे हो ना इस फोटो का फेस कैसे खराब हो गया, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अच्छा, आपको सिंपल तरीके से इसके नीचे वाला ऑप्शन के अंदर चले आना होगा, एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे भैया लोग। अब देख तो क्या फाड़ो और भी ज्यादा खराब हो रहा है, आप लोग कुछ लोग तो मेरे को पागल भी कहने लगे कि तो भैया कैसे बात अच्छी होगा, तो क्या चल रहा है शमशेर सिंह, मैं बताती हूँ ना भाई कैसे अच्छी होगा। आपको रेडियस को थोड़ा बहुत बढ़ा देना होगा, डिटेल्स को थोड़ा बहुत बढ़ा देना होगा, मास्किंग को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देना होगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है ना फोटो का, अभी देखो ये ऑप्शन के बढ़ाने के बाद क्या चौंक गया क्या, इसका नॉइस रिडक्शन को आपको इतना बढ़ाना होगा, ओके। एंड आपको कॉन्ट्रास्ट जो देख रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा बढ़ाने का जरूरत नहीं, 45 के साथ बढ़ा देना, ओके। एंड अभी देखो कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है फोटो में, अब बस कलर नॉइस रिडक्शन को जो है इसको इतना बढ़ा देना होगा। अभी देख सकते हो फोटो का फेस कैसे हो गया, पूरा लुक चेंज। अभी इसका स्मूथनेस को थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे, एंड अभी आप देखते हो फोटो बिल्कुल अलग टाइप से लगने लगी, मतलब एडिट बहुत ही मस्त तरीके से हो गया हमारा फोटो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो ठोक दूंगा, मतलब यार ज़रा लाइक कर दो यार, क्या जाते हैं आपको, एंड सब्सक्राइब भी कर दो ना मेरे भाई, क्या जाता है इधर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।